हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे माइक्रोमीटर को कैसे रीड किया जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आप माइक्रोमीटर को अच्छी तरीके से चलाना सीख जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके मेन पार्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ जो रीडिंग लेते समय ज़रूरी होते हैं। इसमें रीडिंग लेते समय दो पार्ट ज़रूरी होते हैं, मेन स्केल थिम्बल स्केल। मेन स्केल पर हमने उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होता है, जैसे 0, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm। इसे हम इक्वली 25 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 0 से लेकर 25 mm तक ये मेजर कर सकता है हमारे किसी भी हमारे वर्कपीस या कोई भी हम वायर का डायामीटर मेजर कर सकते हैं। बेसिकली माइक्रोमीटर स्मॉल लेंथ के वायर के डायामीटर के मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा ये एक डिवीज़न है, ये 1 mm है, जो इसके हाफ में जो डिवीज़न आ रही है, इसका मतलब ये है हमारा 1 mm को हमने एक और पार्ट में डिवाइड किया है 0.5 mm। ये है 1 mm का हाफ पार्ट 0.5 mm। इसी तरह से हमने थ्रू आउट द स्केल इसे 0.5 mm से डिवाइड किया हुआ है स्केल को। ये 0.5 जो हमने 1 mm को डिवीज़न में डिवाइड किया है, ये हमें रीडिंग लेने में हमें एक्यूरेसी इंक्रीज कर देता है हमारे रीडिंग की। ये एक होता है हमारा थिम्बल स्केल। थिम्बल स्केल पर भी हमने डिवीज़न को थिम्बल स्केल बेसिकली ये ऐसा होता है, हमने इसकी सर्कमफेरेंस को 50 डिवीज़न में डिवाइड किया होता है। इसमें लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ। लीस्ट काउंट निकालने से पहले हम स्पिंडल को क्लोज पोजीशन पर ले आते हैं। जब स्पिंडल क्लोज पोजीशन पर होगा तो हमारा ये थिम्बल रोटेट होकर इस जीरो रीडिंग पर आ जाएगा। अगर हमारा थिम्बल ये रोटेट होकर यहाँ पर आ गया, अगर ये पोजीशन यहाँ पर आ गई, तो मीन्स दैट इसमें कोई एरर नहीं है। अगर ये स्केल थिम्बल स्केल इस जीरो रीडिंग से आगे चला गया या पीछे रह गया, इसका मतलब हमारे स्केल हमारे माइक्रोमीटर में एरर है। हमें उस एरर को रिमूव करना होगा। लीस्ट काउंट निकालने से पहले हम इसे क्लोज पोजीशन पर लाएंगे और हमारा थिम्बल स्केल जीरो रीडिंग पर आ जाएगा। उसके बाद हम जब हमारा ये क्लोज पोजीशन पर आ जाएगा, उसके बाद हम इसे 360 डिग्री का रोटेशन देंगे। जब हमें इसका 360 रोटेशन देंगे तो हमारा थिम्बल स्केल 0.5 mm जाने की 1 mm का हाफ पार्ट इस डायरेक्शन को मूव करेगा। जब हम इसे रोटेट करेंगे तो हमारा ये थिम्बल स्केल यहाँ पर आ जाएगा। पहले यहाँ पर था तो उसके बाद हमारा थिम्बल स्केल यहाँ पर आ जाएगा। हमने ये हमें पिच बताता है, इसका फार्मूला होता है लीस्ट काउंट निकालने का, पिच ऑफ द स्क्रू टू द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल स्केल। हमने पिच निकाल ली बाय रोटेटिंग द थिम्बल 360। जब हमारा थिम्बल 360 मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो वो 0 से 0.5 टुवर्ड्स द राइट मूव करेगा। तो हम 0.5 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 माइक्रोमीटर। लीस्ट काउंट मीन्स दैट हम कम से कम कितनी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर, हम 0.01 माइक्रोमीटर तक मेजर कर सकते हैं। अब हम रीडिंग लेते समय हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग यानी कि थिम्बल स्केल रीडिंग। जब भी हमने माइक्रोमीटर की रीडिंग लेनी है, सबसे पहले हम अपने वर्कपीस को बिटवीन एनविल एंड स्पिंडल होल्ड करेंगे और यहाँ पर एक लॉक नट होता है, उसे हम जब हमारा वर्कपीस होल्ड हो जाएगा हम उसे लॉक कर देंगे और वर्कपीस को निकाल देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे मेन स्केल पर हमें कितनी रीडिंग शो हो रही है। यहाँ पर हमें मैं आपको जूम करके बता देना चाहता हूँ।
यहाँ पर आप देखें मेन स्केल पर 8 mm रीडिंग शो हो रही है, इसलिए मैंने लिख लिया। फार्मूले में हम पुट करेंगे मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई है, 8 mm हमने यहाँ पर नोट कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे मेन स्केल में जो सेंटर लाइन है ये थिम्बल स्केल की कौन सी लाइन के साथ प्रॉपरली मैच कर रही है। ये सेंटर लाइन मेन थिम्बल स्केल की कौन सी लाइन के साथ प्रॉपरली मैच कर रही है, यहाँ से साफ पता चल रहा है जी मेन मेन लाइन ये 15 15 डिवीजन से 15 डिवीजन से मैच कर रही है। इसलिए हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग थिम्बल स्केल की रीडिंग हमने ले ली है 15 डिवीजन, थिम्बल स्केल की रीडिंग हमने ले ली है 15 डिवीजन। और हम जब हम इस 15 डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, हम फार्मूले में पुट करेंगे 8 मेन स्केल रीडिंग 15 थिम्बल्स के रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो हमारे पास फाइनल रीडिंग आ जाएगी वर्क पीस कितनी थिकनेस है, हमारे पास आ जाएगी 8.15 mm, हमारे पास इतनी रीडिंग आ जाएगी। इस तरह से हम माइक्रोमीटर से हम रीडिंग ले सकते हैं। अगर सेकंड केस में आपको बता देना चाहता हूँ माइक्रोमीटर का ड्यूरिंग मेजरमेंट क्या होगा, मान लीजिए हमने वर्क पीस को हमारे एनविल और स्पिंडल के बीच होल्ड कर कर हमने उसे लॉक निकाल कर उससे वर्क पीस निकाल लिया है, उसके बाद हम उससे रीडिंग ले रहे हैं, ये हमारा मेन स्केल है, ये थिम्बल स्केल है। थिम्बल स्केल को मैंने और मेन स्केल को इनलार्ज कर कर यहाँ पर दिखाया है, मैं आपको जूम कर कर बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हम ड्यूरिंग मेजरमेंट देखेंगे मेन स्केल पर कितनी रीडिंग आ रही है, मेन स्केल पर हमें डायरेक्टली शो हो रहा है 9 mm आ रहा है, इसलिए हमने 9 mm मेन स्केल लिखा। और हमें मेन स्केल पर एक और रीडिंग शो हो रही है ये 0.5 mm, जो 1 mm को हाफ पार्ट में डिवाइड किया है 0.5 mm। जे अगर हमें ये ऊपर वाली लाइन भी शो हो रही है तो हम मेन स्केल में 0.5 mm को भी प्लस करेंगे, ये था डिफरेंस। अगर इस जब हम इस पर रीडिंग ले रहे थे तो हमें ये 8 mm ही शो हो रहा था और 0.5 mm की ऊपर वाली रीडिंग शो नहीं हो रही थी, इसलिए हमने इस केस में 0.5 mm को मेन स्केल के साथ प्लस नहीं किया था। इस केस में क्या हो रहा है, हमने मेन स्केल को जब हम रीडिंग ले रहे हैं उस समय हमें 0.5 लाइन शो हो रही है, इसलिए हम मेन स्केल में इस रीडिंग को प्लस करेंगे। जैसे मैंने किया है 9 प्लस 0.5 और प्लस लीस्ट काउंट इनटू थिम्बल स्केल रीडिंग। थिम्बल स्केल रीडिंग आप गौर से देखें, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, थिम्बल स्केल आप गौर से देखें कितनी होगी, ये है 25, जो कि इस लाइन के साथ मेन स्केल की सेंटर लाइन के साथ थिम्बल स्केल की कौन सी लाइन मैच कर रही है, ये है 25 26 27 28 29 30। यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं मेन ये सेंटर लाइन मेन स्केल की 25 26 27 के साथ प्रॉपरली मैच कर रही है, इसलिए हम थिम्बल स्केल की डिवीजन लेंगे 27 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 mm, और हमारे पास रीडिंग आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग 9.55 mm। इस तरह से हम माइक्रोमीटर से किसी भी इस रेंज की वर्क पीस की थिकनेस, बेसिकली ये वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसे हम 0.0 से लेकर 25 mm तक थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।